देवास नगर निगम कार्यालय में आज नगर निगम के बीजेपी पार्षदों ने निगम आयुक्त के लेट पहुंचने को लेकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद निगम पार्षद निगम कार्यालय के बाहर आकर धरने पर बैठ गए। लेकिन मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब नगर निगम आयुक्त संजना जैन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ी में नगर निगम पहुंची, जिसे देखकर बीजेपी के पार्षद भड़क उठे और नारेबाजी करने लगे। वहीं निगम आयुक्त बिना पार्षदों से मिले निगम में पहुंच गई। निगम आयुक्त के नहीं मिलने से नाराज पार्षद निगम कार्यालय से कर्मचारियों को बाहर कर ताला लगा दिया। वहीं जिस कमरे में संजना जैन निगम आयुक्त बैठी थी, वह भी बाहर से गेट का ताला लगा दिया गया। घंटों चले इस कार्यक्रम में निगम पार्षद निगम के बाहर ताला लगाकर बैठ गई। बाद में स्थानीय विधायक गायत्री राजे पवार भी पार्षदों के समर्थन में नगर निगम पहुंची, जहां निगम के पार्षद संजना जैन से माफी मंगवाने की बात पर अड़े रहे और धरने पर बैठे रहे। वहीं निगम आयुक्त के नहीं आने पर पार्षदों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रोड पर चक्का जाम कर दिया। एसडीएम सीएसपी कोतवाली टीआई के समझाने के बाद चक्का जाम को खुलवाया गया। पार्षदों ने मांग की कि निगम आयुक्त संजना जैन को हटाया जाए, क्योंकि निगम आयुक्त कांग्रेस के कहने पर काम कर रही है। वहीं चक्का जाम के दौरान करीब आधे घंटे तक रोड पर जाम रहा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड गेट गिरा दिया। वहां नारेबाजी करने के बाद मामला शांत हुआ। मैम, भाजपा के पार्षद दल ने जो है विरोध किया, उसके बाद आप भी नगर निगम में पहुंचे, धरना प्रदर्शन भी हुआ और ऐसी क्या स्थिति हुई कि अब रोड भी जो है चक्का जाम करना पड़ा और अभी जो है ज्ञापन दिया गया है? क्या है पूरा घटनाक्रम और क्या मांग की गई? बहुत ही देवास के लिए काला दिन है, जहां एक पब्लिक सर्वेंट जो एक सरकारी अधिकारी है, वो पब्लिक से जनता के प्रतिनिधियों के सम्मान को ध्यान नहीं रख रहे हैं। आज तक इतने सालों में कभी भी नगर निगम में पॉलिटिक्स, राजनीति नहीं आई थी। भाजपा भी 15 साल से सरकार में थी, मैं पिछले 4 साल से विधायक हूं, पर मैंने कभी भी नगर निगम में, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कभी भी नगर निगम में प्रवेश तक नहीं किया, क्योंकि मुझे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर पूर्ण विश्वास था, पार्षदों पर पूर्ण विश्वास था, कमिश्नर पे पूर्ण विश्वास था कि वो इसे अच्छे से चला रहे हैं। पर ऐसे कमिश्नर जब आती हैं जो पार्षदों का सम्मान नहीं करती हैं, राजनीति को खींचकर भाजपा और कांग्रेसीकरण करती है नगर निगम भवन में, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कांग्रेस पार्षदों के साथ अलग से बैठक करना, आज भाजपा पार्षदों ने समय मांगा था मिलने का, जब समय मांगा था तो शालीनता से बातचीत करने का समय मांगा था, 1:30 बजे का समय दिया था उन्होंने, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक, 2:35 तक वो नहीं आई। गई भी तो एक कांग्रेस नेता के गाड़ी में बैठकर और कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने नगर निगम में प्रवेश किया, भाजपा के पार्षदों से बात ना करते हुए, दरकिनार करते हुए अपने चेंबर में निकल गई और उसके बाद ऊपर बैठी रही, उन्होंने बुलाया तक नहीं पार्षदों को। और अभी ये स्थिति है कि पार्षद धरना देकर बैठे हुए, चक्का जाम कर रहे हैं, एडीएम को आना पड़ा, एडीएम उनको बुलाकर नीचे लेके आए, पर उसके बाद भी उनका व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था पार्षदों के प्रति। उन्हें ये कहने में भी शर्म आ रही थी कि मैं लेट आई या आई, उसके बाद भी आज 2.5-3 घंटे से आप लोग बैठे हैं, मैंने आपको नहीं बुलाया है, ये गलती हुई उनसे। खेद व्यक्त करना तो बहुत दूर की बात है, वो अभी तक नीचे नहीं आई है ज्ञापन लेने के लिए, इसलिए ज्ञापन बदल कर कलेक्टर महोदय को दिया गया है, एडीएम साहब ने लिया है, और जो भी कार्रवाई सत्ता पक्ष होने के नाते हम लोग करेंगे नगर निगम में जरूरी होगी, वो हम करेंगे, और ऐसी कमिश्नर हमें नगर निगम में नहीं चाहिए जो जनता के हित में काम ना कर सके, केवल राजनीति करती हैं, उनका कोई जगह नहीं है इस बिल्डिंग में, इस कमिश्नर के ऑफिस में, ये एक विधायक होने के नाते मैं बोल रही हूँ। मैम, अभी जो है मांग भी की गई है और आपने ये भी बोला है कि जो ज्ञापन के माध्यम से कि उनको हटाया जाए, अब चूंकि आज धरना प्रदर्शन का बीजेपी के नेताओं ने रोड पे भी चक्का जाम किया, अब भी अगर इनको नहीं हटाया जाती तो क्या आप विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे? जहाँ जरूरत, विधानसभा ही क्यों, जहाँ जरूरत हो वहाँ ये मुद्दा उठाकर, हमारी पूरी प्रदेश में भले ही हम विपक्ष में हो पर नगर निगम में तो सत्ता पक्ष है, जो भी हम बन पड़ेगा हम करेंगे, हम देखेंगे कि ये
कमिश्नर यहाँ से नहीं। ठीक है, थैंक यू। और जो विधायक भाजपा की जो यहाँ पहुंची थी गायत्री राजभवन, उनका कहना है कि आप जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रही, और साथ ही अब एक ज्ञापन भी दिया गया और आपको हटाए जाने की मांग की, क्या कुछ आपका पक्ष हो, क्या कुछ आपका कहना? देखिए, ये बिल्कुल गलत है कि जनप्रतिनिधियों की बातें नहीं सुनी जा रही है। मेरे से आज मनीष सेन जी ने पहले हमारा 1:30 बजे का टाइम डिसाइड हुआ था, वो यहाँ आएंगे नगर निगम और अपनी समस्याएं भी बताएंगे और कुछ ज्ञापन देंगे। फिर मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी लगभग 11:30-12 बजे, और हम दोनों का ये टाइम डिसाइड हुआ कि वो 2 बजे यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ से नगर निगम देवास से काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स, हमने कुछ साधन प्रोवाइड किए हैं पुष्पगिरी में, और हमें और भी कुछ साधन अभी प्रोवाइड करने होंगे, तो ये स्थल देखना भी ज़रूरी था। और मैं वहाँ पर जाकर मैं गई अंदर तक, मैंने देखा, वहाँ पर मैं आई लौटकर, तो लौटकर आते वक्त अरनिया के यहाँ पर मेरी गाड़ी का काफ़ी हैवी एक्सीडेंट होते होते बच गया। ईश्वर की कृपा से ये परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पधन सागर महाराज साहब जी की ही आशीर्वाद होंगे कि मैं बच गई, हम लोग सभी बच गए। बहुत ही हैवी एक्सीडेंट था, अरनिया के काफ़ी सारे लोग वहाँ पर थे, मौजूद थे, जिन्होंने ये देखा, और ईश्वर कृपा से मुझे भी कोई चोट नहीं आई, मेरे स्टाफ को भी चोट नहीं आई, और गाड़ी में भी सिर्फ एक पहिया ही उसका कुछ डैमेज हुआ। लेकिन गाड़ी इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं वहाँ से चलकर आ सकती, मैंने सड़क पर से लिफ्ट ली और अपना परिचय दिया, क्योंकि उस समय इनका कितना भी टाइम नहीं था कि मैं पुष्पगिरी में एक गेट के यहाँ खुली हुई चप्पल भी उठाकर, क्योंकि दूसरे गेट से निकले थे तो वो वापस लेने जा सकूँ, तो मैं वैसे ही छोड़कर अपनी चप्पलें भी छोड़कर चली आई थी। मैंने सड़क पर खड़े होकर लिफ्ट मांगी, अपना इंट्रोडक्शन दिया और उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने आगे की सीट मेरे लिए खाली करी। मैंने किसी को नहीं देखा कौन है कौन नहीं है, और तत्काल अपने एडिशनल कमिश्नर से मैं लगातार कॉन्टैक्ट में रही, उनको पहले ही बता दिया था कि आप सभी पार्षदगणों को, मान्य पार्षदगणों को यहाँ पर मीटिंग हॉल में बैठाएं, आराम से उनसे बात करें, मैं जस्ट पहुँच रही हूँ। और पूरे रास्ते में उनको बताती रही कि मैं जस्ट पहुँच रही हूँ, 5-7 मिनट में मैं पहुँच रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 2:15 बजे करेक्ट मैं यहाँ आ गई, मैंने उनको बोला आइए, और अपने यहाँ जमादार को उनको लेने नीचे भेजा, उनको बताया, और एक और साथ में और यहाँ पर कर्मचारी उनको भी बोला, लेकिन यहाँ पर कोई ऊपर नहीं आया, ये मालूम पड़ा कि वो अंदर बिल्डिंग में हैं, कुछ कर्मचारियों को बाहर किया है और ताले लगाने की बात हो रही है। नीचे से नारों की आवाज़ आई, और मैंने ये बोला, बार बार नीचे से बुलाने भेजा कि आप ऊपर आकर बात कीजिए, यदि प्रॉब्लम्स है तो बताइए। जहाँ तक कांग्रेस के पार्षद गणों के साथ सर्किट हाउस में बात का बैठक का सवाल है, वो लोग बैठक कर रहे थे। सर्किट हाउस एक गवर्नमेंट प्लेस है, माननीय मंत्री महोदय चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड कभी भी रहे हों, किसी भी सरकार में रहे हों, माननीय विधायकगण अक्सर सर्किट हाउसेस में बैठक अरेंज करते हैं, लेते हैं, और वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उपस्थित होते हैं, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट प्लेस है। नगर निगम इस समय लगभग वित्तीय आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के शेयर के साथ जो परियोजना यहाँ पर लागू हुई है, वो करीब करीब सारी परियोजनाएं अब अगले कुछ माहों में कंप्लीशन पर हैं, और उनमें जो 10% नगर निगम की निधि थी वो कभी भी नहीं मिलाई गई। बैकलॉग इस समय लगभग 45 करोड़। अपन जो है कलेक्टर साहब के नाम दिया है, क्या उनकी मांग है और किस तारतम्य में दिया, क्योंकि आप भी आए थे यहाँ जब रोड पे इकट्ठे हुए थे। क्या है, ये नगर पालिका में माननीय कमिश्नर महोदय के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें पार्षदजनों ने